So let us start with अपना खाता को आता अच्छा वो मैंने जहाँ तक का करा है वहाँ तक अभी कुछ सॉल्विंग में कुछ वगैरह पर कुछ डाउट अगर आ रहा हो तो मुझे बता देना, तो मैं उसको व्हाट्सएप में या फिर सॉल्व करके मैं क्लियर करा दूंगा उसको इंशाल्लाह। ओके हाँ, तो हमने यहाँ तक किए थे गायरो जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके द रेशियो ई अपॉन टू एम ई इज कॉल्ड एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके और हम लोग ने ये मोमेंट ऑफ ये भी निकाले थे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियस आर, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये एम ओ आर बी ऑर्बिट, एम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ई अपॉन टू एम ई इंटू एल बार, और एल बार क्या है, एल बार है एंगुलर मोमेंटम, एल बार एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या है, एम ई वी आर, एम ई इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो पता है क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्लाइंग डिवाइसेस है, जैसे कि प्लेन है, हेलीकॉप्टर हो गया, मिसाइल वगैरह, कोई भी चीज़ अगर सैटेलाइट्स वगैरह, ठीक है, तो उस डिवाइस के अंदर एक पर्टिकुलर उस वैसे टाइप के व्हीकल के अंदर एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, वो बेसिकली किस चीज़ से काम में आता है, वो ये चीज़ें इसमें काम में आता है कि अपना सरफेस से अपना एंगल क्या है। ठीक है, तुमने फाइटर प्लेन देखा रहेगा, कभी कभी एकदम घूम के उल्टा हो जाता है, ठीक है, मतलब इट टेक्स डिफरेंट एंगल, इट गोज स्ट्रेट, इट गोज लेफ्ट, इट गोज राइट। ठीक है, तो अभी अज्यूम करो कि मैं ऐसा ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, अज्यूम करो कि अपना सरफेस ऐसा है, ठीक है, अपना सरफेस ऐसा है, अरे यार ये ऐसा सरफेस नहीं है, रुको, सरफेस सीधा है, सरफेस है ऐसा, लेट मी ड्रॉ, ऐसा अपना सरफेस है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी प्लेन का उसके हिसाब से एंगल क्या है, क्या प्लेन ऐसा है तो उसका जायरो सीधा बताएगा, या प्लेन ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा है, एक एंगल में जा रहा है, ठीक है, प्लेन ऐसा मतलब ऊपर गया, ऊपर लेके एक एंगल में टिल्ट हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट वाला विंग ऊपर है, राइट वाला विंग नीचे है, या तो फिर ये ऐसा हो गया, या तो फिर पूरा प्लेन क्या है, ये पूरा प्लेन ऐसा सीधा था ना, ये पूरा उल्टा घूम के क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे पायलट नीचे है, पायलट नीचे है और व्हील्स ऊपर है, व्हील्स ऊपर है ऐसा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग एंगल जो एक प्लेन जमीन से जो रहता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये जायरो यूज करते हैं, जायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ई अपॉन टू एम ई है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई, उससे कंपेयर करके हम लोग निकालते हैं। ओके सो दिस जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू गो इनटू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इफ यू गो इनटू दोस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे व्हीकल व्हीकल के बारे में सिखाते, तो वहाँ पे इन डिटेल बताएंगे कि ये ई अपॉन टू एम ई कैसे यूज होता है। नाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, इंटीजर 1 2 3 4 5 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये कहाँ से आया, दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट बोर थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये जो एटम करके थियरी स्कूल में भी था, 11th में भी था, ठीक है, बोर्स पोस्टुलेट्स करते थे ना, बोर्स पोस्टुलेट्स, उस बोर्स पोस्टुलेट्स में से सेकेंड पोस्टुलेट ये वाला है कि कभी भी एंगुलर मोमेंटम एल कितना होगा, इट विल बी एन मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन टू पाई, एन मल्टीप्लाई बाई एच अपॉन टू पाई। और अपन ऊपर भी देख चुके हैं एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला क्या है, एम ई वी आर। ठीक है, सो आई कैन से that L is equal to MeVr, which is also equal to according to the second postulate of Bohr n h upon 2 pi, है ना? So substituting the value of L in equation 11.11, देखो 11.11 ये वाला equation है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे L जो है ना, L के बदले में क्या लिख दूंगा, L के बदले में लिख दूंगा n h upon 2 pi, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, E n h upon 2 Me 2 pi, ठीक है, L के बदले ये जो ये पार्ट है ना, ये जो ये पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट में जो ये एल है ना, ये एल का वैल्यू तुम ये डाल दो, ठीक है, जो नीचे जो दिया हुआ है ये डाल दो, ठीक है, ये वाला एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई ये वाला वैल्यू डाल दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई एन एच अपॉन टू इंटू टू 4 पाई एम ई बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को एन ऑर्बिटल का एक और फॉर्मूला मिल गया, दिस इज अनदर फॉर्मूले फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिट।
ओके और ये जो ई एन एच अपॉन 4 पाई ME जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ओके और ई का वैल्यू अपने को पता है, ई का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका भी वैल्यू अपने को पता है, 4 तो कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू अपने को पता है 3.14, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी अपने को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ओके ये वैल्यू भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा कभी भी। तो ये सब मिला के अपना बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू क्या आएगा, अपन जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9.274 × 10⁻²⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है। दिस इज द वैल्यू फॉर बोर मैग्नेटॉन। ओके सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन्स BM। अगर N1 है तो 1 बोर मैग्नेटॉन 1 BM, अगर N2 है सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 मैग्नेटॉन 2 बोर मैग्नेटॉन 2 BM। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, पकड़ लो कोई भी एक एटम है, यूरेनियम है, यूरेनियम यूरेनियम का एक एटम है, यूरेनियम के एटम में थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक ताकत, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, तो अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 BM, और 1 BM का वैल्यू कितना होता है, 1 BM का वैल्यू होता है 9.274 × 10⁻²¹. रिमेंबर दिस वैल्यू, ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू CET JEE वो सब में भी आ सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ओके मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इनटू अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। अपन इस चीज को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर सपोज मैंने तुमको अगर ये दिया, क्या बोलते हैं, एक मेटल का मैंने ब्लॉक दिया, मेटल का ब्लॉक देके मैंने बोला कि इसको मैग्नेट बना दो तुम, ये अभी मैग्नेट नहीं है तुम इसको मैग्नेट बना दो, तो तुम क्या करोगे, तुम उस मेटल के पीस को एक ऑलरेडी एक परमानेंट मैग्नेट के ऊपर, एक मैग्नेट तुमको लेना पड़ेगा, उसके ऊपर तुम उसको घसते जाओ, रब करते जाओ। जब तक तुम रब करोगे उतने में क्या हो जाएगा कि वो मेटल के अंदर भी एक मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, इट विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ओके एंड द फॉर्मूले फॉर मैग्नेटाइजेशन कि कितना कितना ज़्यादा, मतलब क्या कितने इंटेंसिटी से उसको, कितना उसको ताकत क्या है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है, उस मैग्नेट की ताकत डिवाइड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, तुम वॉल्यूम से डिवाइड करो, वो जो क्यूब बार जो भी है उसका वॉल्यूम रहेगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे तो अपने को मैग्नेट का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को डिवाइड करो तो उसके बाद जो अपने को कैपिटल एम मिलेगा, दिस कैपिटल एम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब इससे अपने को क्या मालूम पड़ेगा, इससे अपने को ये मालूम पड़ेगा कि ये जो मैग्नेट है कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अभी अज्यूम कर लो कि अपने पास अगर एक मैग्नेट है, उसका वो कितना बड़ा है, उसका साइज है पकड़ लो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, 1 मीटर क्यूब पकड़ लो एक टेबल जितना बड़ा रहेगा, 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई। ठीक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, पकड़ लो 4। ठीक है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन कितना रहेगा, 4/1 मीटर क्यूब, तो इट विल बी 4 ओनली। ओके अभी दूसरा अज्यूम कर लो कि अगर अपन और बड़ा कर लेंगे 2 मीटर क्यूब, तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, 4/2 = 2। ओके तो सिर्फ दोनों मैग्नेट, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब, दोनों मैग्नेट का स्ट्रेंथ 4 ही था, पहले वाले का भी 4 था, दूसरे वाले का भी 4 था, लेकिन पहले का वॉल्यूम कम था, दूसरे का वॉल्यूम ज़्यादा था। ओके तो पहले का मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू अलग है, दूसरे का मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू भी अलग है। इट इज मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने को मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करने का। सो कंसिडर अ रॉड ऑफ सच ए मटेरियल विथ सम नेट मैग्नेटाइजेशन प्लेस इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड पता है क्या होता है, सोलेनॉइड में बताता हूँ क्या होता है। सोलेनॉइड इज बेसिकली ऐसा एक रॉड रहेगा, ठीक है, ऐसा एक रॉड रहेगा, और रॉड के ऊपर पता है क्या किया, रॉड के ऊपर ऐसा वाइंडिंग कर दिया, ऐसा वाइंडिंग, बहुत सारा वायर से अपन ने वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मटेरियल है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आउटलेट है और यहाँ से मतलब वायर शॉर्ट रहा है, पकड़ लो ये इनलेट है, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया सोलेनॉइड। अरे क्या हो गया ये, बस समझ जाओ। ठीक है, ये क्या होता है, ये सोलेनॉइड होता है। ठीक है, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सोलेनॉइड में से जब मैं करंट पास करूंगा ना, वो जो वाइंडिंग था, वाइंडिंग में से जब मैं करंट पास करूंगा ना, तो जो अंदर का जो पीस है, जिसके ऊपर जो रॉड है जिसके ऊपर मैंने ऐसा वाइंडिंग किया है, वो मैग्नेट बन जाएगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाई B0 = μ0 ni। नाउ दिस फॉर्मूले इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 ni।
याद रखो ये बहुत बार बहुत सारे सम में आने वाला है। पहली बात, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अभी अगर मेरे पास एक आयरन का रॉड है तो उसको मैं मैग्नेट के ऊपर घिस घिस के उसको मैं मैग्नेट बना सकता हूँ। ठीक है, आयरन को आराम से मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो आयरन का मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। उसका ससेप्टेबिलिटी का हम लोग परमेबिलिटी भी बोलते हैं। परमेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। ठीक है, दिस लाइक दिस परमेबिलिटी। ओके, लेकिन अगर मैं लकड़े का एक पीस ले लिया, अगर मैं लकड़े का पीस लेके दिन भर भी अगर मैं मैग्नेट के ऊपर अगर मैं घिसूंगा उसको, अगर रब करते जाऊंगा, देन ऑल्सो इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इंटू मैग्नेट। नो मैटर हाउ मच ऑफ रबिंग यू डू ऑन अ वुड, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इंटू अ मैग्नेट। तुमने अगर उसके बदले कॉटन का पीस ले लिए, कुछ ग्लास का पीस ले लिए, कुछ दूसरा पीस अगर ले लिए जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं है तो मैग्नेट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेट बन सकता है, उसके मैग्नेट बनने की उसकी एबिलिटी। ओके, hence that is called as permeability. okay, permittivity पता क्या होता है? permittivity is epsilon naught. तुमने electrical उसमें देखा रहेगा, ये जो था ना epsilon naught, ये epsilon naught का जो symbol है, ये क्या है? ये है permittivity. ठीक है, अभी ये chapter में हम लोग permittivity नहीं पढ़ने का। permittivity is about electric current. okay, और permeability क्या है? ये जो mu naught है ना, ये mu naught, ये permeability है. ठीक है, this is not about electric current, this is about magnetic field. ओके, फाइन, सो विल स्टडी ई नॉट इन डिटेल व्हेन वी विल डू करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ठीक है, तभी इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी से भी याद रखो, परमिटिविटी किस लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। परमिटिविटी का सिंबल क्या है? एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और परमेबिलिटी का सिंबल क्या है? म्यू नॉट। ओके, फाइन, नाउ लेट अस स्टडी अहेड। ओके, हाँ, तो लेट अस नोट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल केप्ट इनसाइड द सोलेनोइड बाय बीएम। ठीक है, तो एक तो मैग्नेटिक बीएम एक मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से, जो मैग्नेटिक रॉड है अंदर उसके वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो है जो अपन ने आई करंट जो पास किए उसकी वजह से। अभी सोलेनोइड में से अगर मैं करंट पास करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बन जाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया वो। तो बीएम इज द नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड, वो उस रॉड के अंदर ऑलरेडी था। And B0 is a magnetic field which is produced by passing electric current I. वो अपन ने उसके अंदर बना दिए। ठीक है, तो net magnetic field, the total magnetic field will be B is equal to B0 plus BM. ठीक है, ये दोनों को प्लस करो, जो रॉड का पहले से था और अभी नया जो मैग्नेटिक फील्ड आया, दोनों को तुम प्लस करो, तुम्हें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट BM इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। BM इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो वी नो that BM is equal, is proportional to magnetization, and the symbol for magnetization we have seen above is capital M. okay, so BM जब proportionality हटेगा तो अपने को एक constant डालना पड़ेगा, है ना। जब proportionality हटाके equal to डालेंगे तो constant डालते हैं, तो constant अपन ने क्या डाले? mu naught. okay, mu naught is the constant, mu naught into M, ये M आ गया अभी यहाँ पर, mu naught into M, hence BM is equal to mu naught M. It has been observed that BM is proportional to the magnetization M of the material. So BM is equal to mu naught into M. Okay. So therefore, अभी B0 का formula क्या था? हमने ऊपर देखे थे। B0 का formula था mu naught Ni. और BM का formula क्या है? BM is equal to mu naught M. तो दोनों को तुम plus करो। B is equal to mu naught Ni plus mu naught M. तो अपने को total magnetic field का अपने को value मिल जाएगा। ठीक है? अभी ये जो एन आई जो ना यहाँ पे लिखा है, म्यू नॉट एन आई में जो ये एन आई है, ये जो एन इंटू आई है, एन इज द नंबर ऑफ वाइंडिंग, कितना वाइंडिंग किया है मैंने कॉल के अंदर। कॉल के अंदर मैंने 10 बार घुमाया है वायर को, 20 बार घुमाया है, कितनी बार घुमाया है। ठीक है, तो एन इंटू आई जो ये है, इट विल गिव मी एच। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। तो ये म्यू नॉट एन आई के बदले क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, और प्लस म्यू नॉट एम को वैसा का वैसा ही लिखे। अब म्यू नॉट को निकाल दो कॉमन बाहर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, है ना। अभी अपन पता क्या करेंगे, अभी थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा। सॉल्विंग पता है कैसे करेंगे? यहां से आप ये देखो क्या करेंगे अपन, तो बी अपॉन एच प्लस एम नहीं, ऐसा नहीं था, एक सेकंड,
तो मी नॉट को नीचे लो, बी को एच प्लस एम को नीचे मत लो, ठीक है। सो देयर फॉर आई विल से दैट बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एच प्लस एम, है ना। ये अपन ने क्या किया, म्यू नॉट को ले लिए यहाँ पे नीचे, दैट्स इट। और फिर क्या करो, ये एम को ले लो वो साइड पे, तो बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एच, है ना। सिर्फ क्या किए, प्लस एम को ले लिए वहां पर, दैट्स इट। अब इस इक्वेशन को उल्टा करके लिखो, तो एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम, दैट्स इट। सो वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन फॉर एच, एच का फॉर्मूला मिल गया अपने को। एच क्या है, एच है मैग्नेटिक, यहाँ पे लिखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फर्दर इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ एच इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, अगर एच बहुत वीक है, ओके, अगर अपन वुड यूज कर रहे हैं, लकड़ा यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा यूज मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं, द मैग्नेटाइजेशन एम इंड्यूस इन द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो उन उस केस में मैग्नेटाइजेशन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एच, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे एक ये आएगा, दिस इज कॉल्ड एज काई। ओके, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, जो एक्स बीच में लिखा है इसको अपन काई बोलते हैं। काई का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। इट इज द बिहेवियर, इट इज द मेजर ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन इट लिटिल बिट, थोड़ा दो मिनट लगेगा इसके लिए अलग से। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब अज्यूम कर लो कि मेरे पास दो मेटल है, मेटल ए मेटल बी। अगर मेटल ए को मैं दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रखा और उस दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने बहुत इजीली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, उसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी चाहे इज वेरी वेरी हाई, उसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। नाउ देयर इज अनदर मैग्नेट बी, मैग्नेट बी मेटल बी, उसको मैंने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, दूसरे फील्ड के अंदर, तो वहां पर वो दूसरे फील्ड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, खुद उसका मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन दूसरे फील्ड को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दिस काई विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो बेसिकली काई क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मटीरियल इन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक मैग्नेट कैसा बिहेव करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काई। उसका सिंबल क्या है, उसका उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ओके, सो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं, एम के बदले अपन लिख सकते हैं काई इंटू एच, ऐसी चीजों के लिए जिसका एच जो बहुत वीक हो, वीक मैग्नेटाइज हो। तो यहाँ पे एम जो है ना, एम बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये वाला, यहाँ पे अपन एम के बदले क्या लिखेंगे, काई इंटू एच। ओके, अब यहाँ पे से भी एच, यहाँ पे से भी एच, दोनों एच निकाल दो कॉमन यहाँ पर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस काई इंटू एच। ओके, नाउ आई नो दैट वन प्लस काई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू म्यू आर, ये याद रखो, वन प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर, यहाँ पे पहले कहीं पे दिया हुआ नहीं है बट ये फॉर्मूला है, वन प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर। ओके, सो म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई, बी इज इक्वल टू म्यू इन टू एच, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू म्यू इन टू म्यू आर, ये उन्होंने डायरेक्टली अज्यूम किया है। एक सेकेंड, ये 1.11.18 तक का यहाँ पर ये आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इन टू एच हो गया। सो कंपेयरिंग दिस विद द प्रीवियस स्टेप, म्यू आर का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई। ओके, बी का फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू इन टू एच। ओके, ओनली दिस वैल्यू फॉर बी, कंसिडरिंग के म्यू आर नहीं है, देन म्यू आर और म्यू को अपन एक ही म्यू ले रहे, म्यू जीरो और म्यू आर जो है ना उसको अपन दो अलग अलग म्यू को अपन एक ही म्यू लेके सॉल्व करें, म्यू इन टू एच। और ये जो म्यू है ना, ये म्यू, इस म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, अपन ये दोनों म्यू जीरो म्यू आर के बदले अपन ने एक ही म्यू लिया। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से ये बी के बदले क्या आएगा, ये देखो, ये बी के बदले, यहाँ पर जो ये बी है ना, ये बी के बदले क्या आएगा, ये बी के बदले आएगा म्यू इंटू एच, एच दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ओके, म्यू जीरो म्यू आर, म्यू जीरो म्यू आर इंटू एच, इंटू एच, ठीक है। ये यही स्टेप है, यही वाले स्टेप में मैंने सिर्फ क्या किया, यही वाले स्टेप में मैंने सिर्फ बी का फॉर्मूला म्यू एच डाल दिया। तो ये जो म्यू है, ये म्यू, ये जो एच है, ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो अपन फिर क्या बोलेंगे, म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल टू,
म्यू जीरो, म्यू आर, नहीं, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड। अच्छा ये वाला स्टेप लिया है, सॉरी सॉरी, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट अगेन, लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट अगेन। ओके, दिस स्टेप, दिस स्टेप, दिस स्टेप। बी के बदले क्या है, बी के बदले है म्यू इंटू एच, म्यू इंटू एच, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट वन प्लस काई इंटू एच। ये देखो वन प्लस काई इंटू एच, वन प्लस काई इंटू एच। ओके, ये एच कैंसिल, तो क्या बचेगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस आर, वन प्लस काई, वन प्लस काई, दैट्स इट। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया है, स्मॉल डेरिवेशन है, थोड़ा एक बार लिख के करोगे समझ में आ जाएगा। सो देयर फॉर वी हैव फिनिश्ड, यर म्यू इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई होता है, एप्सिलॉन होता है, वैसे म्यू होता है, एंड म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जो म्यू आर अपन ने पढ़े ना यहाँ पे, म्यू आर जो नया जो टर्म आ गया, म्यू आर इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, जब दो चीज़ को कंपेयर करते तो अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और जब वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो अपन म्यू जीरो बोलेंगे, दैट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर का सारा जो डेरिवेशन है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद आंसर्स है, बस आंसर्स लर्न करने हैं। ये देखो ये जो मार्क है यहाँ पे, आंसर्स लर्न करने हैं। दो टाइप के, तीन टाइप के मटेरियल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों मटेरियल को अपने को सिर्फ लर्न करना है कि कैसा होता है वो, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ ये स्टार्टिंग वाला जो डाया है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, देन विल डू द रिमेनिंग पार्ट टुमारो। ओके, तो पहला विल स्टडी व्हाट डायमैग्नेटिज्म। अब जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है, उन सब चीज़ों को अगर मैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं बांटूंगा तो तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होगा, डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। डाया मतलब वीक, पैरा मतलब थोड़ा बहुत बीच में, और फेरो मतलब स्ट्रॉन्ग। तो मैं हर एक चीज़ को ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, सम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पजेस नो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सच मटेरियल्स बिहेव एज डायमैग्नेटिक। जहाँ पे नेट, नो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, देर इज कोई मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर है ही नहीं, तो वो डायमैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप की जो चीज़ें होती है, देखो यहाँ पे उन लोग ने अलग अलग मटेरियल का काई दिया हुआ है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इतना होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इतना होता है। देखो डायमैग्नेटिक में नेगेटिव है, एकदम छोटा वैल्यू, 4.2 × 10⁻⁶, ठीक है, नेगेटिव में। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, ये सब का तो पॉजिटिव में है, ये पैरामैग्नेटिक में आता है। और फेरोमैग्नेटिक मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है, उसका अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, व्हेन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल रिपेल्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने क्या किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच मैंने ये डायमंड रख दिया। अब डायमंड क्या है, डायमंड जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, वो वीक है। तो फील्ड जो पहले स्ट्रांग था ना, जिसके लाइंस ऐसे पास हो रहे थे, अब मैंने बीच में डायमंड रख दिया ना, तो लाइन दूर दूर हो जाएंगे, वो लाइन को ऐसा अलग हटा देगा, लाइन को अलग कर देगा वो। ये सब लाइन को अलग करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना उसका, वो कम हो जाएगा। तो अगर एक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, मैंने बीच में एक डायमैग्नेटिक चीज़, मैंने डायमंड अगर रख दिया, तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर सिमिलरली, व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पे सेम नहीं है, कोई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कोई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, कई जगह पे मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई जगह पे मैग्नेट बहुत वीक है। तो अगर मैंने ऐसा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने डायमंड रख दिया, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर मैंने रख दिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो मैग्नेट है, वो जो डायमंड है, वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाएगा और वीकर पार्ट में चला जाएगा, इट हेट्स द मैग्नेट। जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है ना, इट विल यू नो वहाँ से दूर चला जाएगा वो, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, जहाँ पे कमज़ोर है, वहाँ चला जाएगा वो, ठीक है।
If a diamagnetic liquid is filled in a U tube and one arm of the U tube is placed in an external magnetic field, the liquid is pushed in the arm which is outside the field. इसका मतलब क्या हो गया? अब अज्यूम करो कि देखो ये अपना यूट्यूब है, ठीक है, ये ऐसा एक यूट्यूब है. जस्ट ड्रॉ दिस थिंग ऑफ इट. जस्ट वेट. हाँ, तो ये एक ट्यूब है, ऐसा यू शेप में है, तो हैंस उसको अपन यू ट्यूब बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है, एक लिक्विड भरा हुआ है, पकड़ लो क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे पूरा लिक्विड अंदर क्या है, मर्क्यूरी से भरा हुआ है लिक्विड यहाँ तक का. इज ए मेटल. ठीक है, अब नहीं, लिक्विड मर्क्यूरी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. चलो कुछ दूसरा लिक्विड रखा हुआ है जो डायमैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है. और मैंने क्या किया, ये जो है ना, ये आर्म मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया. तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है ऐसा, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन से फोर्स पास हो रहा है ऐसा. ठीक है, अब ये ट्यूब में पता है क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ से नीचे पुश होगा और यहाँ से ऊपर आ जाएगा. यहाँ से पानी, यहाँ से लिक्विड ऊपर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये मैग्नेटिक फील्ड से निकलने की कोशिश करेगा, ये यहाँ से निकल के यहाँ से जाने की कोशिश करेगा. हेंस दिस आर्म विल गो अप एंड दिस आर्म विल गो डाउन. दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ डायमैग्नेटिक लिक्विड फिल्ड इन अ यूट्यूब, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो. ओके, तो ये ध्यान में रखो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छः सात पॉइंट आज यहाँ तक ही करेंगे अपन. ओके, इन जनरल दीज मटेरियल्स ट्राई टू मूव टू अ प्लेस ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड. तो अपने को पता है, दे विल ट्राई टू मूव टू अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड. इफ अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल सस्पेंडेड फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक कंपास का नीडल लिया, कंपास का नीडल फेरोमैग्नेटिक है, वो एक अच्छा मैग्नेट है, अगर मैंने कंपास को मैंने अगर सस्पेंड किया तो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल में आ जाता है ना वो, तभी तो वो कंपास काम करता है, तभी तो वी यूज कंपास एज अ डिवाइस टू मेजर दिस थिंग, व्हाट यू से इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं अपना, नॉर्थ पोल साउथ पोल. अभी कंपास में नीडल के बदले मैंने क्या यूज किया, मैंने डायमंड यूज किया, डायमैग्नेटिक. Although it will be a very expensive compass, बहुत महंगा बिकेगा वो, लेकिन वो जरा भी काम नहीं करेगा. वो पता है क्या करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बदले, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये लाइन में है ना, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल ये लाइन में है ना, ये अरे यार कैसा लाइन बना दिया मैंने, ना सीधा लाइन बनाने का, रुको. नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर ऐसा लाइन रहेगा ना, ऐसा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्मल अपना कंपास का नीडल इस डायरेक्शन में आता है ना, तो डायमंड क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, इक्वेटर में आ जाएगा वो, पूरा क्रॉस 90 डिग्री में आ जाएगा वो. ठीक है, सो इफ यू मेक अ कंपास ऑफ मेड अप ऑफ डायमंड, ऑल्दो इट विल बी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीस, बट इट विल बी वर्थलेस. हाँ, मतलब इक्वेटर निकालने के लिए काम में आएगा, वेरी गुड. ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर इज अ डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, तो ये टॉर्क एक काम करेगा, टॉर्क क्या करेगा, उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके आ जाएगा. ठीक है, as studied earlier, when the dipole is in the direction opposite to the direction of the magnetic field, it has a large magnetic potential energy and so it is unstable. It will try to go on position where the magnetic potential energy is least, and that is when the rod is perpendicular to the direction of magnetic field. वही पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ में, इस डायरेक्शन में, ये वाला डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस डायरेक्शन में वो नहीं रहने की कोशिश करेगा. द डायमंड विल ट्राई टू गो इन अ फील्ड विच, जहाँ पे मैग्नेटिक का फील्ड बहुत वीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए कहाँ पे जाएगा, वो 90 डिग्री में चला जाएगा. ठीक है, उसके परपेंडिकुलर में चला जाएगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है. दस द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेट इज नेगेटिव. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अगर काउंट करने जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, बहुत ही कमजोर मैग्नेट है वो. ओके, उसके एग्जांपल क्या क्या है, अच्छा मर्क्यूरी इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. मर्क्यूरी यूट्यूब के अंदर अपन मर्क्यूरी यूज कर सकते थे. नाइट्रोजन है, गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर है, बिस्मथ है, सिलिकॉन है, ये सब अलग अलग मटेरियल है, दे आर ऑल डायमैग्नेटिक. अगर अपन उसको रखेंगे कोई भी इसके अंदर, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों इक्वेटर के डायरेक्शन में आ जाएंगे, उल्टा डायरेक्शन बता देंगे अपने को. ठीक है, फाइन. सो टुडे वी हैव डन पैरा डायमैग्नेटिक, टुमारो वी विल बी डूइंग पैरा एंड फेरो. ठीक है, फेरो यहाँ पर है, फेरो के बाद सिर्फ एक छोटा थियरी आता है, डोमेन थियरी, और डोमेन थियरी के बाद वी हैव जस्ट वन मोर टॉपिक कहाँ पर था, हाँ, हिस्टेरेसिस. ठीक है, ये हो जाएगा तो अपना चैप्टर फिर खत्म. मैग्नेटिक शील्डिंग ये सब छोटा मोटा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है. सो टुमारो आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ द चैप्टर एनी हाउ. ओके, तो कल सब तुम आना. ठीक है, कल का लेक्चर मिस मत करना. फाइन, सो आई एम एंडिंग राइट नाउ.